इसका ऐसा कि हमने गुरु गोविंद सिंह जो अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं, देखो उत्तर भारत में जितनी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह ने लड़ी है वो सराहनीय है, वो अवर्णनीय है। इस उत्तर भारत के अंदर जो सिक्की खड़ी हुई है, इन्होंने सदा अत्याचार से लड़े हैं। एक बात और पूछ रही लाल सवाल, बहुत से भाइयों का जाटों में भी और गैर बिरादरी के भाई तो सबसे ज्यादा इस चीज को उठा हुआ है कि जट और जाट अलग अलग हो है, कि सिख जट बोल रहे हैं और जाट ही अलग अलग है, एक नहीं है। इस चीज में बता दो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। राम राम जी सारे लाडले भाई, राम राम। तो भाई आज सौभाग्य है अपना, गुरु जी सोराण खाप उत्तर प्रदेश चौधरी हमारे पास आए हैं और एक प्रोग्राम था। जैसा कि आपको पता है आज शहीदी दिवस है और हम एक प्रोग्राम में थे किला परिषदगढ़ अपना मेरठ में ही, तो वहां तक आए गुरु जी भी एक प्रोग्राम में थे। तो भाई की बहुत दिली इच्छा थी बहुत दिनों से मिलने की, तो गुरु जी से कुछ बात करना चाह रहे, कुछ पूछना चाह रहे इनके जीवन के बारे में जो ये दिखाते हैं, इनके जो वीडियो आप देखते हो सोशल मीडिया पे, बहुत ही पूरे समाज के साथ खड़े रहे हैं और खासकर किसानों के साथ भी खड़े, उनके मुद्दों पर भी हर जगह डट कर खड़े रहे। मेरा तो बड़ा मन था चौधरी साहब से बात करने का और इनसे सवाल जवाब करने का कि समाज के बारे में क्या चल रहा, क्या विचार है, ये सब सुनने का। तो सबसे पहले राम राम जी आपको हाथ जोड़ के, आज मैं पहली बार ही मिला हूँ जी चौधरी साहब से अपने, हमारे बड़े बुजुर्ग और बहुत सम्मानित व्यक्ति है। मैं बहुत दिन से वीडियो भी देखता था, सोशल मीडिया भी काफी एक्टिव रहते हैं, हमेशा किसानों का मामला हो, पहलवान आंदोलन का मामला हो, कभी भी एक खाप से रिलेटेड हो या जाट समाज से रिलेटेड हो, सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर चीज में। तो जी आप ही बता दें, एक बार जब पहलवान आंदोलन हुआ था तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी, आप कब गए थे पहलवान आंदोलन में? सबसे पहले तो मैं आज वीर भगत सिंह शहीद आजम, उनका आज बलिदान दिवस है, 23 मार्च 1931 में भगत सिंह जी को, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजी राज में फांसी दी गई थी, तो उनके बलिदान दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम आजाद हुए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे समाज में काम करते हैं, क्योंकि भगत सिंह से प्रेरणा लेकर के लाखों युवाओं ने देश के लिए समाज के लिए काम किया और निर्भीकता आई। अब शिवा भाई आपने पहलवानों वाले आंदोलन की बात करी है, देखो पहलवानों का आंदोलन दो बार हुआ, एक बार तो पहले स्टार्ट हुआ था सर्दियों में, उस टाइम पे आंदोलन शुरू हुआ था तो हमें दूसरे दिन ही पहुंच गए थे, क्योंकि हमारे विपिन राठी भाई का और एक अनिल पहलवान है रोहतक के, क्या नाम है, सोनीपत के रेडाव गांव के, उनका फोन आया कि गुरुजी ऐसे ऐसे पहलवान में साथ आंदोलन चल रहा आपको जरूर आना, तो वहां पहुंचे। उसमें भी हम जब तक धरने पर रहे 3-4 दिन तक उनके साथ ही बैठे रहे, लेकिन गिरफ्तारी भी उनको तो बाद गिरफ्तारी तो बाद वाले में हुई थी, पहले वाले आंदोलन में नहीं हुई थी। पहले वाले आंदोलन में क्या था, उन्हीं की बहन है फोगाट परिवार की, उसने जो है खेल मंत्री से बातचीत करवा के और उनका धरना जो भी उनकी समस्या थी उनको हम सोल्व करेंगे, वो हट गया था। लेकिन बाद में फिर वो दोबारा लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात है तो धरने पे आ गए थे, तो शुरू में कोई आ नहीं रहा था, फिर हम पे फोन थे पहलवान जी का, अनिल पहलवान का, विपिन भाई का, ऐसे ऐसा हो रहा है उसे दिखवाओ, कोई आ नहीं रहा, उनका ठीक है पहलवान का मामला। देखो पहलवान ने जो हो ना, एक ऐसा खेल है जो जुनून के साथ खेला जाता है और इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है आदमी का और सबसे ज्यादा चोट लगने के भी चांस रहते हैं, और एक पहलवान अगर नॉर्मल आदमी है तो 10 से टक्कर ले सकता है, ये हमारी युद्ध कला है। और बचपन में गांव में हम भी खेलते, अपने बड़े को देखते आ रहे थे और हमारा भी कुश्ती में खेल लेते थे, तो हमारा बड़ा लगा होता, तो हमें सोचे क्योंकि पहले वाले आंदोलन के कारण सभी खाप चौधरी, सभी अखाड़े और जितनी भी पार्टी नेता थे वे थोड़े नाराज थे कि पहलवानों ने अपने अपने डिसीजन लेकर के हमने पूरा खत्म कर दिया। वो जो थी ना, जो गीता फोगाट पहलवान जी हैं, वो भाजपा से जुड़ी और उसकी बबीता फोगाट की छोटी बहन, तो इसलिए उनकी बात मानते हो, चलो उन्होंने भी विश्वास करा, पहलवान आदमी विश्वास बहुत जल्दी करे, जो बोल दिया मतलब दिल का साफ हो। तो ये जो अपने खाप चौधरी थे तैयार थे वैसे हर चीज के लिए और आगे भी रहेंगे, अभी भी थे आगे भी, तो उन्होंने ये नाराज थे कि भाई कुछ हमें बताया नहीं है, अपने आप चुपचाप से उठा, इसलिए हाँ वो सभी नाराज थे। तो उन्होंने कहा तुम आओ, बजरंग पूनिया से बात हुई भाई से, और उस टाइम पर तो ज्यादा भीड़ नहीं थी शुरू में, तो सब फोगाट बहने भी भेजती हुई दोनों दिन नौ साक्षी मलिक भी थी, तो ये भाई किसी तरह से यहाँ पे खापे जुड़े, तो वहाँ पे सर खाप कोऑर्डिनेटर है ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको मैंने फोन करा, मैं ऐसे बात है तो कहले नहीं पहले उठा लिया था, वहाँ कोई बात नहीं गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, सबसे हो जाए आपसे भी हो सके हमसे भी हो गया, लेकिन इनकी समस्या तो है जेन्युइन तो उसका समाधान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है वहाँ बात करेंगे, और सभी ने फिर उन्होंने बात करा, फिर वहाँ पे महम 24 में
जाने में चबूतरा है तो वहाँ पर फेमस चबूतरा, तो वहाँ पंचायत होकर के इनके पक्ष में पूरे हरियाणा खप्पे आई। उसी दौरान बदतमीजी कर दी दिल्ली पुलिस द्वारा बजरंग पुनिया के साथ में, और एक हमारे राहुल यादव था पहलवान सुराने गांव का, उसके साथ में गाजियाबाद से, और एक और था वो पहलवान में नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, उन दोनों पे चोट वोट मार दी सिर्फ दुष्यंत दुष्यंत पहलवान भाई था उसके चोट लगी। तो रात को ही वहां से पहलवानों का फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे जो बदतमीज हो बहुत ज्यादा, जल्दी करके आओ। लगभग 12 का टाइम होगा, रात के 12। अब उस टाइम पे किसे बताऊं, जिसको बताऊं किसी का फोन नहीं उठ पा रहा, कोई इधर उधर भी ना था बहुत ही। तो लेकिन जो अभी हमारे पास 2-3 गाड़ी हो पाई, हम तभी वहां पे पहुंचे। उस टाइम पे हर्ष सिकारा भी आ चुका था, उसे गिरफ्तार करके ले जाने लग रहे थे, और सोमवीर पहलवान, सोमवीर पहलवान बड़ी मुश्किल से पुलिस चढ़ाया, चढ़ नहीं रहा था सोमवीर पहलवान, बड़ा धक्का मुक्के चढ़ाया। उससे पहले दीपेंद्र जी आए थे, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको गिरफ्तार करके ले गई थी पुलिस, और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जब हम पहुंचे, हमने वहां जाकर कहा भाई मिलेंगे जरूर हम, तो पुलिस फोर्स तो दुनिया भर की थी, उन्होंने हमें नहीं मिलने दिया। फिर हमने नहीं भाई हम जहाँ से जाएंगे नहीं, वो कहला घर बुझा, मैं घर नहीं जाऊंगे, हम इनके जाऊंगे या तुम जेल में डाल लो। तो उन्होंने वहां पे फिर जो IPS अधिकारी थे बदतमीजी निकाली, उन्होंने हम पकड़ करके गाड़ी में बैठाया, और फिर वहां सिविल लाइन दिल्ली पुलिस का थाना, उसमें ले जा करके वहां थाने में बैठा कर रखा सुबह के टाइम, फिर छोड़ दिया। लेकिन वो धरना फिर काफी लंबे टाइम तक चला, और हमारे गांव से दादाजी चाचा जी हमारे महेंद्र सिंह तो रागनी भी गई थी उनपे पहलवान के ऊपर, और सभी का योगदान रहा। फिर तो पूरे यहाँ पे फिर सोरन घोले में जो है सुभाष बालियान जी हैं जो सरखाप मंत्री, उन्होंने चबूतरा जो है हमारा सरखाप का सोरन घोले में उसमें पंचायत करी, और फिर यूपी की जितनी भी खाप थी उनका भी पूरा सहयोग आंदोलन में रहा। और एक विपिन भाई ने आज मुझे बताया आपके बारे में कि ऐसे ऐसे गांव में एक अखाड़ा चलाते हैं जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं सेल्फ डिफेंस की, उसके बारे में बता दो थोड़ा, क्या क्या प्रैक्टिस कराते हो, किन को कैसे? देखो ऐसा था, हम गए थे महाराजा सूरजमल जी का महल है डीह के अंदर, जो किला है वो तो है उसमें भरतपुर में, उनका लोहागढ़ के नाम से है, लेकिन जो वो तो ना लड़ाई का किला जो उनके महल थे वो भरतपुर के डीह शहर है उसमें जल महल है वहाँ पे बहुत अच्छा, और उनके महल के अंदर बहुत अच्छा अखाड़ा बना हुआ वो आज भी है, बहुत पुराना हो चुका, और वो छत के अंदर है, यानी कि मतलब उस टाइम पे उसमें प्रैक्टिस करते थे महाराज सुरेंद्र खुद उसमें, वो अपने परिवार के लिए खोल रखा था उन्होंने। अच्छा, कि भाई मैं भी कुश्ती करूंगा, मेरे जो यहाँ पे है ना पदाधिकारी परिवार के लोग हैं पदाधिकारी उनके साथ ही हो, क्योंकि राजा तो राजा के साथ ही लड़ेगा, मजबूत होना चाहिए, मजबूत तब होगा जब आपसी भिड़त हो और मेहनत अच्छी हो। तो उसे देख करके हमने लगा भाई हम महाराज सुरेंद्र को जाट कौम का हीरो मानते हैं, क्योंकि जाटों की जो पहचान हुई है इतिहास के अंदर जो मान लो व्यापक तौर से वो महाराज सूरजमल जी से मिले, उससे पहले थोड़ा सा कम वरना तो छोट और इतना व्यापक नहीं था। ये तो है। तो उन्होंने अखाड़ा देख के हमें लगा भाई इनके नाम से हम अखाड़ा अपने गाँव में खोल लेंगे, तो हमने अपना अखाड़ा खोला। अच्छा, उन्हें के नाम पे खोल रखा। हाँ, महाराज सूरजमल अखाड़ा अपने खेत में अलग एक जिम भी छोटा बना रखा, अखाड़ा भी है, छोटे बच्चों को लाठी चलाना तलवार सिखाना सेल्फ डिफेंस, बच्चियों को गुड़ियों को मारी माता बहन को भी खुद। तो उसमें ट्रेनिंग कौन देते हैं, मतलब आप ही खुद या कोई कोच भी है अलग से? देखो ऐसा है, तो ये तो कुश्ती का, अब आया तलवारबाजी का, लाठी चलाना, भल्ले, तीरंदाजी, इसका ऐसा है, ये हमने गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। देखो उत्तर भारत में जितनी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह ने लड़ी है वो सराहनीय है, वो अवर्णनीय है। इस उत्तर भारत के अंदर जो सिक्की खड़ी हुई है, इन्होंने सदा अत्याचार से लड़े हैं, गलत का विरोध करा है, और जिसके साथ में अन्याय होता था उसकी मदद करते थे, और महिलाओं की सुरक्षा करने में जब भी इस्लामिक आक्रांत है सबसे बड़ा योगदान सिखिज्म का रहा है। तो उनका खेल है गतका, और इस गतके के अनुसार वो गतका खेल को छोटे से बच्चे सिखाते थे, और उसे खेलते खेलते बच्चे बड़े होते थे और योद्धा बन जाते थे, तलवार चला करके, चक्र चला करके, जितने भी युद्ध के सामान है, तो उसे लेकर के हमने सोचा सिखाए। तो हमारे यहाँ एक अर्जुन सैनी नाम के मेरठ में है, वो तलवारबाज बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा, तो उन्होंने ट्रेनिंग दी, और उसके बाद तो हमारे गांव के 20 बच्चे सीख गए। अब तो सब बच्चे बच्चों को सिखाते रहते हैं, कोई कोच नहीं है, सारे बच्चे ना वो आपस में सीखते हैं, आपस में सिखाते थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम गुरुजी करते हैं, लड़के लड़कियों दोनों को कंबाइन करके अच्छे, लड़कियों ना ना लड़की भी लड़के भी दोनों ही दोनों करते हैं, तलवारबाजी बहुत अच्छी करते हैं, लाठी चलाने का बहुत अच्छा उनका अभ्यास है, और हमारे तो मैं जो व्यवस्था करना, क्योंकि देखो तलवार लाना, ढाल लाना, और किसी से कोई पैसा नहीं ना, कोई शुल्क नहीं, फ्री में मिलो, फिर निःशुल्क, हमारा कोई शुल्क नहीं। या बहुत बड़ा दिल गुरुजी का है,
आज के युग में आज के समाज में अपना खुद मुंह धोने का ही टाइम नहीं। बिल्कुल जी सही बात है। समाज के लिए खड़े और हमारे समाज के बच्चे मजबूत बने, हमारी बच्चियां अपनी सेल्फ डिफेंस सीखे तो, और इतनी बढ़िया सोच कहाँ है आज के समय। बिल्कुल। और फिर हमने जिम खोला क्योंकि लगा कि बच्चों के आजकल मसल वगैरह विपिन भाई तो ढूंढने से नहीं मिलता, मैं तो करते रहे अपना। तो ऐसे तो बच्चों को कहा जिम होना चाहिए, तो हमने खोल भी बनाया और फिर जिम की मशीन लाए और आधुनिक जिम है जो आज के टाइम का है, पूरी व्यवस्था अपनी जमीन हमारे डालता हूँ। हमारे तो पिताजी के नाम है जमीन, हमारे तो नाम हमारे पिताजी जमीन दे रखे। ये बड़ी चीज है, संयुक्त परिवार है गुरु जी का। अच्छा अच्छा। अमर तुम हो गए और भाई और भाई हो गया, सबके भाई भाइयों के मतभेद हो गए। हम कह रहे भाई अपनी जमीन में हम 5 बीघे में चाहे 10 बीघे में यू बना रहे। तुम कहा क्यों क्यों बना रहा के करे भाई, तो ही समाज का कटाया अपनी ईख हो लेन दे गेहूं हो लेन दे। तो बड़ी चीज है समाज, परिवार भी इतना बढ़िया है। तो कभी ऐसा भी हुआ जी कि पुलिस ने कोई दबाव बनाया हो, पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश करी हो कि ये क्या सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, इस टाइप से भी हुआ? हाँ, नहीं हुआ था, बहुत पहले हुआ था, तो 8-9 साल हो लिए। अच्छा। तो पुलिस प्रशासन ने कोई लगा कि भाई ये किसने शिकायत कर दी कि ये गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, इससे तो जो है क्या बोलते हैं नक्सलवादी की ट्रेनिंग है, इसलिए तो इस तरह की है। तो हमने जांच वाच करी, पुलिस को क्या मिलना, ऐसा कुछ मिला नहीं। ये वो तो खेल हमने बता दिया, पंजाब का खेल ही है। तो तुम्हें तुम्हें नौखा लग रहा है, पंजाब में हर गांव में खेल ऐसा था जो यहाँ के लोगों ने पता ही नहीं है क्या है। हाँ जी हाँ। वो तो सोचते हैं कि भाई लड़ाई है। हाँ। उन्हें ये नहीं पता गतका तो जो राष्ट्रीय खेल है ना, नेशनल होता गतके से। नेशनल होता तलवारबाजी का, तलवारबाजी है उसमें, उसमें तलवारबाजी होती, तो ये खेल है उन्हें पता नहीं था। पुलिस को पता, उन्हें पुलिस अधिकारी को भी पता, आजकल तो पुलिस सब तुम्हें पता ही, ऐसी भर्ती हो रहे हैं और अपना न्यू चल रहा मामला, सब पैसे लेने का ज्यादा पता, काम करने कम पता। और विपिन भाई एक बात और बताया थे कि कई बार अधिकारियों से भिड़ जा, मतलब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, तो आपको कोई डर नहीं लगता कि केस लगा देंगे, फंसा देंगे, क्योंकि सरकार भी ऐसी है? कोई डर नहीं गुरुजी, हर तबके के आदमी गैर खड़े रहे। देखो डर भय हम देखो, हम देखो सुनो, जब हम बच्चे से थे ना तो हम भगत सिंह को लागू सुनते थे कि लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा, ठीक है, राजकिशन थे जो भगवानपुर या हरियाणा के, बहुत अच्छे रागनी थे। छोटे से हम ये सोचते थे कि भगत सिंह का इतना नाम है सारे भारत में और 23 साल की उम्र में मर गए, तो हमारा ये सपना था हम 23 साल की उम्र में हम भी कुछ ना कुछ करके और अपना भाई मर जाओगे। लेकिन आज हमारे 2550 से ऊपर जा रही उम्र, हम अब तक ना मरे, तो अब तक हम मर भी जाएंगे तो कोई नहीं, काम समाज के लिए करेंगे हम। जब भगत सिंह को जिसका आदर्श मानते हैं मंत्र, तो उसकी तरह मरना तो सीखना चाहिए ना। मैं आजकल क्या हम बात बात में उसके कर्म को लगते हैं, जैसे मतलब कोई भी चीज है उसकी लिखी बात बात नहीं ना, तो हम भगत सिंह को अपना वो मानते हैं एक तरह से जीवन में, अगर हम आइडियल मानते हैं और उसको ये मानते हैं कि उसने छोटी सी उम्र इतना काम कर दिया। हमारा जो पुलिस हम पे कई मुकदमे चल रहे हैं, 5 से मुकदमे, उससे कोई जमानत हो रही है, तारीख पजामे साइन करिए हमारे सजा बोलेगी, फिर जमानत करवा लेंगे हाईकोर्ट से, फिर बाहर आ जाओगे। मुकदमे मुकदमे से हम डरते ना, ना अधिकार से डरते भैया। इस देश का जो सिस्टम बिगाड़ा, लोग तो नेताओं को गाली देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। नेताओं की इस देश में कोई गलती नहीं, सबसे ज्यादा गलती अधिकारियों की। आप ये देखो शिवा भाई गांव का प्रधान है, कितने सज्जन हो, बहुत सज्जन बनता है, उसे बेमानी करने सिक्रेटरी से कर सकता, सचिव से करता ना, उसी के साथ आदमी क्या पता आजकल कैसे लगा कैसे बचेंगे क्या। उसे महिला बन गई प्रधानमंत्री जो घूंघट में रहती है, गाँव की प्रधान, उसे भी सर कुछ पता ही ना। अब उसको जितना भी करप्शन होगा गाँव में वो सिक्रेटरी सिखाएगा, तो सरकारी आदमी है ना। इस देश की जो व्यवस्था खराब करी है, जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, इनकी रिश्वतखोरी में करी है, जितना पैसा इन्होंने कमा लिया और जो विदेश में जमा करा दिया। रामदेव बोलता था ना स्विस बैंक में बहुत पैसा है, क्योंकि अब उसकी सरकार आ गई तो उसने बोलना बंद कर दिया, नहीं उनको जवाब नहीं आया तो स्विस बैंक ये हो गया ना, उनके पास कोई जवाब नहीं। वैसे मीडिया ने कई बार पूछा, कई बार बोलते तो बड़ा भड़कता नहीं, जवाब निभाता सीधे भी तुम बोल लोगे कि कहा था मैंने ऐसे ऐसे, तेल में भाव 30 में मिलेगा, अब इतना महंगा हो रहा है। ये एक बात और पूछनी लाड सवाल, बहुत से भाइयों का जट्टों में भी और गैर बिरादरी के भाई तो सबसे ज्यादा इस चीज को उठा हुआ है कि जट और जाट अलग अलग हो है, कि सिक्कू जट बोल रहे हैं और जाट ही अलग अलग है, एक नहीं है। इस चीज में बता दो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, अदर बिरादरी के लोग ज्यादा अलग करने की कोशिश करे। नहीं देखो जाट और जट तो एक ही, तो उच्चारण से फर्क हो गया। पंजाब में जट बोलते हैं, यहाँ पे जाट बोलते हैं, तो दोनों एक हैं। और देखो एक बात और है,
जो सिख धर्म है उसमें 70% जो जाट थे ना वो हैं सिख समाज में, जितने मतलब 100% में 70% जाट हैं। और जब भी समाज के अंदर सामाजिक क्रांति आई है, वर्तमान में दो क्रांति सबसे बड़ी आई है समाज सुधार के हित में, एक आई थी गुरु गोविंद सिंह लाए थे सिखिज्म खड़ा करा जिन्होंने, तो उसमें 70% जो है जाट सिख बने। फिर महर्षि दयानंद जी आए, उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से पोप पाखंड और जो धर्म के नाम पर अडाम पर थे ना दिखावा, और आज भी बहुत चल रहा है, उसको दूर करने के लिए तो आर्य समाज की स्थापना करी। तो आर्य समाज में भी 70% जो मानने वाले हैं वो जाट ही है। हरियाणा और देखो आर्य समाज जहाँ है, आप ये देखो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, दिल्ली यही है, आप गुजरात के तेवर जबकि मूल निवासी, और जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी मुंबई के अंदर, तो वहां नहीं है। तो जाट जो कौम है, ये जब भी कभी सामाजिक क्रांति होती है या शस्त्र सशस्त्र क्रांति होती है तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो कुछ कौमें इस बात से चिढ़ती हैं कि भाई ये क्यों ज्यादा विरोध करते हैं, तो इन तो ये इस तरह चिढ़ते हैं, तो इसके वो हमें थोड़ा फाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है, जट और जाट एक हुए हैं, और आज कल हमारा उनका तालमेल बहुत अच्छा है, और हम समाज में जो भी गलत कार्य होगा चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो चाहे सरकार के द्वारा हो, उसका विरोध करते रहेंगे। हमारा बलिदान हो जाएगा, कोई बात नहीं, बलिदान की हमें गुरु गोविंद सिंह जी सिखा के गए हैं, भगत सिंह जी हमें सिखा के गए हैं, बलिदान हमारे महाराजा सूरजमल ने दिया, जवाहर सिंह ने दिया, और एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैं नाम दूंगा तो फिर टाइम लगेगा। तो ये हमारी परंपरा है, उसको बढ़ाने का काम भी हमारा है, ये नहीं हम जाट जाट कह करके ही अपने आप को बड़ा मानने, जो जाटों ने हमारे बड़े काम किए हैं उसको कर्म में लावे, और जहाँ बलिदान की बात हो तो वहाँ बलिदान भी दें, क्योंकि कौम का जो नाम बड़ा होता नहीं बात बनाने से नहीं होता, बलिदान देने से होता है। और आज जो सिक्की जो मजबूती से खड़ी है वो बलिदान के ऊपर खड़ी है। और जाट कौम का भी जो नाम है वर्तमान में चौधरी चरण सिंह जी के त्याग से, बाबा टिकैत की तपस्या से, बाबा टिकैत की निर्भीकता से, राकेश टिकैत की निर्भीकता से जाट समाज का नाम आज के टाइम पे स्थापित है और पूरे विश्व में चर्चा और डंका बज रहा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने, खासकर जाट समाज के भाइयों और बहनों को? देखो सभी युवाओं को है, देखो सभी समाज के, जाट समाज को भी और जितने भी सर्व समाज के लिए संदेश है, क्योंकि समाज में देखो सभी को साथ लेकर चलना चाहिए तभी विकास हो पाता है। तो संदेश सबसे पहले तो देखो नशे का है, नशे से इससे दूर रहें, क्योंकि जिस घर में नशेड़ी पैदा हो जाता है या नशेड़ी बन जाता है उसका जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और परिवार का सामाजिक स्तर से भी बहिष्कार होता है। और दूसरा दिखावे से बचना चाहिए, आजकल की जो देखा देख है ना कि भैया इसका इतना बड़ा मकान है तो मैं भी बहुत बड़ा बना, मैं इससे बड़ा बनाऊंगा, इस पे कार आ गई है फॉर्चूनर तो मैं तो ओडी लाऊंगा, ठीक है भैया छोटी कार है, मतलब हमें से दिल्ली जाना शिवा भाई, तो हम सेंट्रो से भी इतनी देर में पहुंचेंगे, ओडी से भी इतनी देर में पहुंचेंगे, फॉर्चूनर से भी, लेकिन हमारे बजट के हिसाब से चार आदमी बैठे सब में, तो अपने बजट के हिसाब से चले, देखा देख ना करें। और दूसरा देखो आजकल हमारे समाज में एक बहुत बड़ी जो समस्या आ गई है वो आ गई है जनसंख्या स्तर बहुत कम हो गया हमारा, परसेंटेज कम होता जा रहा है, तो इस तरह से अपनी जो है 2 से 3 बाय जनसंख्या हमारी बढ़नी चाहिए। देखो जो भी चीज है वो आदमियों से ही है, और हमें आदमियों से प्रेम करना चाहिए ना कि वस्तुओं से। आजकल हो क्या रहा, भाई भाई जो है मोटरसाइकिल के ऊपर लड़ लेते हैं, मतलब भाई को दहेज में तो मोटरसाइकिल मिली है, भाई कल्ला मिले ना इसे कैसे खराब करके लाओगा, अरे भैया वस्तु प्यारी नहीं है, आदमी प्यारा होना चाहिए, वस्तुओं से मोह ना हो, अपने आदमियों से मोह करो। और देखो सस्ते में ही अपनी तेहर भी करो, आजकल हम जो तेहरी में कई के लाख शादी की तरह एक बड़ा समारोह करने लगे, बिल्कुल रसगुल्ले बना के खड़ा हो गया, बड़ा समारोह कर दिया शादी की तरह, तो उसे कम से कम में करना चाहिए। और दहेज के ऊपर दहेज, हाँ वही तो बता, दहेज हमें कम से कम करना चाहिए। देखो दहेज का ऐसा समाज में खत्म नहीं हो सकता है, समाज में नहीं ऐसा भी हो रखा है कि उसने अपनी बेटी को 20 लाख रुपए खर्च करे, कन्यादान होता था, उससे ज्यादा करो, कन्यादान से धीरे 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 होड़ा कर लेता है, होड़ लगी हुई है इसमें दहेज के मामले में, दहेज जो है बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या का समाधान जो मुझे लगा, देखो जैसे आप हम जाते हैं लड़की को देते हैं, लड़की को मतलब रोकते हैं जब, तो हम रुक्का मचाते हैं, यू दे दिया हमने, दिया 15 लाख 51,101 रुपया,
दादी की सोने की चैन, माँ की सोने का पेंडल, ताऊ का जाकेट, फलाने की मोटरसाइकिल, भैया ऐसा मत जो देना चुपचाप दे तो हमें क्यों सुना रहे हो। देखिए वीडियो आ गया तो बकाया था कि मैंने एक किला भी दे दिया इतने करोड़ रुपए का राजस्थान का भीम जट्टू का वीडियो बात कर रहा हूँ। तो ये दलतों से दिखा कर मत दो, किसी देना चेक दे दो, अपनी लड़की के नाम पे पिलोट कर दो। अच्छा देखो जैसे हम शादी समारोह करते हैं, विवाह मंडप में करते हैं, 3-4 लाख रुपए में होता है, होता ना कम से कम 3-4 लाख, उसके 3-4 लाख खाने के लगे। अगर आप अपनी लड़की को 10 लाख का प्लॉट दे दोगे तो हो सकता है 2 साल में 20 लाख का हो जाए। और दाल रोटी करो अपने बिल्कुल। और तो बाबा टिका थे एकदम बहुत बड़ा संदेश देता, पहले यही तो था बाबा टिका था कहना कि 5 आदमी जाओ चूल्हे की रोटी खाओ और अपना अपनी साड़ी लेके जाओ उसे पहना कर लिया। और देखो बाबा टिका ने ये भी कहा था कि फेर वेर भी कोई जरूरत नहीं, वरमाला से ही अपना, क्योंकि आपने देखा होगा पंडित जी के साथ बहुत लड़ाई हो फेर होगा, वो क्या होगा जी लाओ 11,000 रुपए, हम क्या होंगे ले 500 रुपए, ठीक है। तो भैया उसका अगर ना दे तो माला डाल लो, वरमाला पहले तो स्वयंवर होते थे भाई तो माला डलती थी ना, बिल्कुल सही बात। तो वरमाला का रखो, माला से फोटो खींच के रखो, ठीक है जी। तो ये है और समाज में मिलजुल कर रहे सभी से। और शिवा भाई और भाई जी आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा, और भाई कमेंट करके सारे भाई बता दियो कैसी लगी वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, बहुत अच्छे लगे मुझे तो विचार सुनकर, पहली बार मिला। सब भाइयों को राम राम, राम राम राम।